हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज आए हुए हैं बैद्यनाथ बजाज शोरूम के जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो गाइस आज का थंबनेल और टाइटल आप सबने देख ही लिया होगा। तो गाइस आज आपके लिए लेके आए हैं बजाज पल्सर 180F BS4 वेरियंट, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है मैट ग्रे प्लस ऑरेंज कलर के साथ। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको जैसे पता होगा BS6 जब आई थी तो BS4 डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो उस समय हमारे शोरूम में ये बाइक स्टॉक में थी। तो जिन्होंने ये बाइक बुक की थी वो किसी कारणवश इस बाइक को नहीं ले पाए और इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है गाइस। तो अगर ये बाइक आपको लेनी है BS4 वेरियंट कार्बोरेटर इंजन, तो आप ये बाइक ले सकते हैं, पर आप सेकेंड ऑनर कहलाएंगे। तो इस वीडियो में हम इस बाइक की आपको फुल डिटेल रिव्यू देने वाले हैं और बताने वाले कि इस बाइक में कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करती है। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, होपफुली आपकी जो भी डाउट्स होंगे BS4 वेरियंट को लेकर वो शायद क्लियर हो जाए और आप ये बाइक ले सको। सबसे पहली बात तो ये एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व ट्विन स्पार्क DTSI इंजन है, कार्बोरेटर इंजन के साथ आती थी। मैक्सिमम PS 17.02, मैक्सिमम टॉर्क 14.22 Nm है, जो कि 6000 RPM है गाइस। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में गाइस। तो फ्रंट लुक में सबसे पहले तो आपको एकदम सेम लगेगा 220 जैसा। अगर बैजिंग हटा दी जाए 180F की, तो ये पक्का पक्की आपको 220 जैसी ही दिखती है पूरी की पूरी बाइक। फ्रंट में आपको हैलोजन बल्ब सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, ऑरेंज ग्राफिक्स, जिसका कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी के मुकाबले पहले का कलर कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था। हैलोजन बल्ब सेटअप ही मिलता है दोस्तों इसमें आपको, प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर्स आपको बल्ब्स में मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्रंट टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 90x90 या 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। इसमें आपको डुअल डिस्क का कंपनी ऑप्शन प्रोवाइड करती थी, 160mm का डिस्क साइज़ है। आगे में आपको डुअल पिस्टन कैलिबर्स मिल जाते हैं, अनब्रांडेड कैलिबर्स हैं गाइस, और दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बात कर ले इसके साइड पैनल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं एकदम 220 जैसी दिखती है। 3D लोगो मिल जाता है पल्सर का। टैंक में आपको टैंक गार्ड मिल जाता है देखने के लिए। टैंक कैपेसिटी आपको 15 लीटर्स की मिलती है गाइस, तो टैंक इसका आपको अच्छा मिलता है। स्प्लिट सीट वेरियंट है, स्प्लिट ग्रैबरल वेरियंट है। स्प्लिट ग्रैबरल में आप देख सकते हैं ऑरेंज का जो कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 180F की आपको 3D लोगो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। रेयर में वही सेम स्टाइल आपको मिलता है, बजाज का टेल लैम्प, इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट लगाने का, जो कि एकदम सेम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टायर 120x80 17 इंच के आपको अलॉय मिल जाते हैं। पीछे का डिस्क आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है 230mm का गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट, जो कि अभी 150 और 125 में भी आपको देखने के लिए मिलता है सेम एग्जॉस्ट ऐसी टाइप का। और बात करें सस्पेंशन के पीछे का, तो वो है 5-वे एडजस्टेबल नाइट्रो शॉक अब्जॉर्बर है। और ये रहा पूरा का पूरा गाड़ी का लुक, साइड लुक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर है 220 से, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि 220 पहले आई थी, उसके बाद 180F को लॉन्च किया गया था, तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और यहाँ पर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो वो आपको एनालॉग और डिजिटल में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप इसके बटन्स देख सकते हैं, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स, किल स्विच और सेल्फ मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी किक नहीं मिलती है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ गियर्स के बारे में, तो नंबर्स ऑफ गियर्स टोटल आपको 5 मिलते हैं, 1 डाउन 4 अप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ओवर लुक वाइज आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस ये कि ये BS4 वेरिएंट है, तो बहुत जन की डिमांड रहती है कि 180 लेना है, अभी मतलब कंपनी ला नहीं रही है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कंपनी न्यू बाइक्स लॉन्च कर रही है। तो ये कार्बोरेटर इंजन है, अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आप ले सकते हैं, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बाइक है। और अगर ये बाइक आपको बुक करनी है, तो हम शोरूम का डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्राइसिंग वो आपको बता देंगे, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो बता देते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका डायमेंशन। तो गाड़ी का जो लेंथ आपको मिलता है वो मिलता है 2035mm का, वाइडनेस मिलती है 765mm की, हाइट मिल जाती है 1115mm की, ग्राउंड स्पेस गाड़ी की मिल जाती है 165mm की, व्हील बेस आपको मिल जाता है 1345mm का, गाड़ी का टोटल कर्व वेट आपको मिल जाता है 155kg गाइस। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।